अभी तो कर्फ्यू तो जारी रहेगा, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन हमने विचार की है, उस बारे में हमने निर्णय किया आज। और उसमें प्रमुख रूप से जो दुकानें बंद हैं, अभी तक दुकानें बंद हैं, तो व्यापार मंडल का अलग अलग प्रतिनिधि मंडल हमको मिला था और उन्होंने कुछ बातें उसमें कही है, सुझाव के रूप में, आग्रह के रूप में। तो उनकी बातों को भी सुना हमने, सुनने के बाद हमने इस बात पर विचार किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी जो है प्रभावित नहीं होनी चाहिए। समाज के किसी भी वर्ग में ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए कि जिसमें उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाए। कठिनाई का दौर तो है ही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने निर्णय किया कि अब 31 तारीख के बाद जो रिलैक्सेशन का जो दौर हमारा जो है वो शुरू होगा दुकानों के लिए, और उसमें 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। एक तो निर्णय ये किया। दूसरा, जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह उसके बारे में हमने कहा कि 5 तक 5 को हमने कैबिनेट रखी है और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे। एक तो उस पर हमने ये निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त बाकी कोई बहुत बड़ी उसमें अभी चेंजेस हमने नहीं की है। ऑफिस में जो प्रेजेंस अभी तक जो हमने अभी बंद किए थे, यानी कि वर्क फ्रॉम होम हमने शुरू किया था, उसके लिए हमने तय किया कि अब उसकी शुरुआत होनी चाहिए, काम शुरू होना चाहिए। तो 30% जो प्रेजेंस के साथ वर्किंग शुरू करेंगे, ये भी हमने निर्णय लिया। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय उसमें उस दृष्टि से लिए हैं। और बाकी रिस्ट्रिक्शंस एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि कोविड के मामलों में हिमाचल में हमने देखा कि गिरावट तो काफ़ी आई है। 40,000 से अब एक्टिव केस का नंबर हमारा मेरे ख्याल में 20,000 तक आ गया, और 20,000 आने के बाद इससे मालूम पड़ता है कि हम काफ़ी हद तक जो है उसमें ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक फिर भी जो डेथ हो रही है वो चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। अभी तक रिलैक्सेशन इससे ज़्यादा देना अभी तक संभव नहीं। सर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा सर? अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हमने ये तय किया है कि इसका निर्णय 5 की कैबिनेट में सर।